थाना अनूप शहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्य किए गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलाहमय जिंदा कारतूस व 13 चोरी की गई मोटरसाइकिलें की बरामद। थाना प्रभारी अनूप शहर सुभाष सिंह को मुखबिर से सूचना मिली, दो वाहन चोर डिबाई और से अनूप शहर चोरी की गई बाइक लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सुभाष सिंह मय पुलिस टीम के मुखेना पुल पर पहुंचकर सघन चेकिंग करने लगे। कुछ समय बाद दो संदिग्ध व्यक्ति दो बाइकों से आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम ने टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते हुए दोनों बदमाश बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को रात 12:30 बजे चोरी की दो बाइकों सहित मय अवैध असलाह सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम छतुरिया के पास आम के बाग में फूस के ढेर के नीचे छिपा कर रखी गई अन्य 11 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त रोहन व शकील, बरामदगी 13 चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर मय 3 जिंदा कारतूस, एक तमंचा 12 बोर मय 2 जिंदा कारतूस। देखिए, थाना अनूप शहर की पुलिस के द्वारा एक बड़ी अच्छी रिकवरी की गई है। एक बहुत ही साथी अंतर जनपदीय गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके दो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक रोहन, जो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसके पूर्व में 6 मुकदमे दर्ज रहे हैं इस तरह के। दूसरा अभियुक्त शकील है, जो अनूप शहर थाना क्षेत्र का है, लेकिन पूर्व में कभी पकड़ा नहीं गया था, इस वजह से इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये मिस्त्री का काम करता है। ये दोनों, इसके साथ कुछ अन्य लोग भी इनके गिरोह में सम्मिलित हैं, जो जगह जगह से मोटरसाइकिलें चुराते हैं, फिर उनका डिस्पोजल करते हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 12 स्प्लेंडर है, एक बजाज की मोटरसाइकिल है। इस तरह 13 मोटरसाइकिलों में से अब तक दो मोटरसाइकिलों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। एक कोतवाली देहात से चोरी हुई थी, दूसरी उत्तराखंड चोरी की है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी का प्रयास करके दबिश दी जा रही है, तथा शीघ्र ही और भी रिकवरी होने की संभावना। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।